हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक स्पेशल सेशन में। और ये स्पेशल सेशन दोस्तों जीरो टू हीरो के तहत है दोस्तों, और इसका नंबर है दोस्तों 23A। बिकॉज 23 दोस्तों पिछले शनिवार को हमने कवर किया और 16 नवंबर को जीरो टू हीरो की श्रृंखला में 24th एपिसोड ऑलरेडी लाइंड अप है दोस्तों, जिसका प्रीमियर होगा आने वाले सैटरडे 8 PM को। तो दोस्तों ये क्या आवश्यकता पड़ी कि ये स्पेशल सेशन बनाने की, क्योंकि कुछ बातें मार्केट में ऐसी हुई हैं जो मैं आपके साथ इमीडिएटली शेयर करना चाहता था। और यही कारण है दोस्तों कि ये स्पेशल सेशन आज के दिन में रिकॉर्ड किया गया। आज दोस्तों 13th नवंबर 2019 को ये रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी तरह का सेशन है कि जीरो टू हीरो श्रृंखला में एक 01A करके एक इंसर्शन किया गया था, और वो भी एक स्पेशल सेशन था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि क्या हम फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दो क्लासिकल एग्जाम्पल दिए जाएंगे जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट को हमने अवॉइड करने की स्ट्रेटजी में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस ब्यूटीफुल परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और इस कारण से आप एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के सब्जेक्ट को बढ़ने के पहले, सबसे पहले यह क्लैरिटी दिमाग में होना अत्यंत आवश्यक है कि क्या सफलता की दर सक्सेस रेट टेक्निकल एनालिसिस में 100% होती है। तो दोस्तों मैं केवल आपसे बोलना चाहूंगा एब्सोल्युटली नो। बिकॉज दोस्तों ये कुछ उसी तरह का सब्जेक्ट है कि विराट कोहली दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन हो सकता है, लेकिन सारे मैचेस में उसे सफलता नहीं मिलती है, फिर भी दोस्तों वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। ये चीज हम सचिन तेंदुलकर के बारे में भी बोल सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी बोल सकते हैं। क्या उन्होंने हर मैच में सफलता हासिल की है? क्या वे 2-4 रन में या 0 पे आउट नहीं हुए हैं? हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस भी उसमें सक्सेस रेट 100% नहीं मिलती है, और इसी कारण से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट करना, जिसके बारे में बार बार एम्फेसिस किया गया दोस्तों। हाउएवर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर में जीरो टू हीरो श्रृंखला में एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, जिसमें सारे कैलकुलेशंस के आधार पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि अगर हम रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के थ्रू करते हैं दोस्तों, तो हम कंसिस्टेंटली किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह समझना कि टेक्निकल एनालिसिस हर उस ट्रेडर को जिसकी टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी अच्छी और इंप्रूव हो जाती है, उसको एक एज मिलता है मार्केट में
ताकि वो सफलतापूर्वक अपने ट्रेडिंग बिजनेस को रन कर सके। तो दोस्तों, अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा फील्ड में जाके, तो शायद मेरा सक्सेस रेट वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे में वो स्किल नहीं है जो विराट कोहली में है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल डेवलप हो जाने से वो एज देता है मार्केट में, ताकि ट्रेडिंग बिजनेस को सफलतापूर्वक रन किया जा सके कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए, जब हम उसमें रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है ये अब समझना कि एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट की एक्यूरेसी रेट क्या होती है, सक्सेस रेट क्या होती है। दोस्तों, एक एपिसोड में जीरो टू हीरो श्रृंखला में हमने एक बुक का जिक्र किया था, और उसमें ये बातों को टच किया गया था, जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार पैटर्न्स बाय थॉमस एंड बुल्सकॉस्की। दोस्तों, ये बुक में एक 35,000 से अधिक चार्ट के ऊपर में इस ऑथर ने मार्केट में स्टडी की, और फिर जानने की कोशिश की कि अलग अलग टाइप के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, प्राइस पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग कंडीशंस में उनकी सफलता रेट क्या आती है, अप ट्रेंडिंग मार्केट में कितनी आती है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कितनी आती है, अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन है तो कितनी आती है, हेड एंड शोल्डर में कितनी आती है, राउंडिंग बॉटम में कितनी आती है। तो दोस्तों, उसमें एक एवरेज अगर आप देखें तो 65% से 68% का एक आपको डेटा मिलेगा, जहां पे ये सक्सेस रेट मोर और लेस बाय एंड लार्ज आती है। दैट डज नॉट मीन कि इससे अधिक नहीं हो सकता है, या एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट एक इससे स्लिप नहीं कर सकता है। क्वेश्चन यहां पे ये आता है दोस्तों, कि अगर हमने 100 एनालिसिस की है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट का एवरेज ये हो सकता है उसकी 5 एनालिसिस लगातार गलत हो जाए, बट बाय एंड लार्ज अगर अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है, अगर वो 100 एनालिसिस करता है, तो उसकी सक्सेस रेट क्या होगी। जिस तरह से दोस्तों कई बार देखा गया है, इवन एक महान बल्लेबाज लाइक सचिन तेंदुलकर लगातार 5-6 मैचेस में फेलियर रहा है, दैट डज नॉट मीन ही इज नॉट अ गुड बैट्समैन। सिमिलरली दोस्तों, अ टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा फील्ड है जहां यह समझना जरूरी है कि अगर हम सक्सेस रेट की बात करें, तो दोस्तों 65 to 70% एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस जो दुनिया में है उनका ये एक एवरेज संभव है, और करीब करीब यही होता है दोस्तों। और अगर दोस्तों आपका 65% प्लस अगर एक्यूरेसी रेट है टेक्निकल एनालिसिस में, और मैं एक्यूरेसी रेट की बात कर रहा हूं, जब हम 100-150 एनालिसिस करते हैं तब इस परसेंटेज को निकालें दोस्तों, हम ऐसे नहीं निकाल सकते 10 एनालिसिस की तो उसमें 7 करेक्ट होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। एटलीस्ट 100 टेक्निकल एनालिसिस आप परफॉर्म करें, और फिर देखें कि सक्सेस रेट क्या आ रही है। और दोस्तों, अगर 65% से अधिक सक्सेस रेट आ रही है दोस्तों, तो इसे हम एक्सीलेंट कैटेगरी में डालते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर में करीब 100 के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म की गई है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड। आप खुद जाके इसमें एनालिसिस करके एक सारे वीडियो को एक बार एक क्विक रिवीजन कीजिए, और देखिए दोस्तों कितनी एनालिसिस करेक्ट हुई है और कितनी एनालिसिस में फेलियर हुआ है। करेक्टनेस का मतलब है कितने में टारगेट अचीव हुआ है और कितने केस में दोस्तों स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो वो फेलियर है, और दोस्तों अगर टारगेट अचीव हुआ है तो उसे सक्सेस की कैटेगरी में डालेंगे। और तीसरी कैटेगरी दोस्तों होगी कि जो स्ट्रेटजी के दौरान एंट्री प्राइस तय की गई थी, बिकॉज हर एनालिसिस में एंट्री प्राइस इंडिकेट की गई है चैनल के ऊपर में, अगर वो एंट्री प्राइस नहीं आई है दोस्तों,
तो हमारा बाय स्टॉप ऑर्डर या सेल स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ है तो हम उस ट्रेड में नहीं है, तो वो ट्रेड नल एंड वॉइड हो गया, तो उसे काउंटिंग में हम नहीं पकड़ेंगे। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर 100 मैच विराट कोहली खेलेगा तो डेफिनेटली उसकी सक्सेस रेट अधिक होगी। हो सकता है लगातार 3-4-5 मैचों में परफॉर्मेंस खराब हो, सेम बिकम्स हियर इन टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है दोस्तों, खास करके जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, और जब भी ब्रेकआउट होता है और टेक्निकल एनालिसिस ये इंडिकेट करती है कि एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड हो सकता है, और अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो अच्छा एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों जब ये ब्रेकआउट फेल होता है तो ये एक मुख्य कारण बन जाता है उस ट्रेड के फेल होने का। तो क्या दोस्तों हम उस फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं? तो अगेन आंसर इज नॉट ऑलवेज, हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, बट यस हम स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन की स्ट्रेटजी को जब हम टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट के आधार पर फॉर्मुलेट करते हैं तो इसे हम लार्ज एक्सटेंट तक फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने में सफल होते हैं दोस्तों। और मैं आज एग्जांपल के द्वारा इसे आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर में से एग्जांपल लिए गए हैं और उन एग्जांपल के माध्यम से आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से दोस्तों जब हम स्ट्रेटजी को जो बनाते हैं और उससे डेविएट करते हैं तो हमें पेनल्टी भुगतना पड़ता है दोस्तों। Nobody is going to be penalized, but penalization जो होता है दोस्तों वो ट्रेडर के ऊपर में होता है, क्योंकि उसने ही दोस्तों उस रूल को ब्रेक किया है। जिस तरह से हम ट्रैफिक के रूल को ब्रेक करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, उसी तरह दोस्तों जब हम ट्रेडिंग के रूल को ब्रेक करते हैं तो इसमें भी एक्सीडेंट होता है, और जिसे हम लॉस बोलते हैं। तो यस दोस्तों, नॉट ऑलवेज बट टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल है, यस इसे अवॉइड किया जा सकता है फॉल्स ब्रेकआउट को, और हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस पहले परफॉर्म करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के पहले, तो जब सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है, वेरियस एस्पेक्ट को हमने चेक कर लिया, यस ब्रेकआउट हुआ है फाइन, डाइवर्जेंसेस नहीं है फाइन। इन सब स्टडी करने के बाद हम तीन इनपुट्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है दोस्तों एंट्री प्राइस, और दूसरा है दोस्तों कि स्टॉप लॉस का क्या प्राइस होगा, कि अगर हमें लॉस होगा तो हम उस पर्टिकुलर लेवल पे निकल जाएंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस तय करेगा दोस्तों कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या होगा पर शेयर। और तीसरा दोस्तों हम अराइव करते हैं पॉसिबल टारगेट को चार्ट पैटर्न के आधार पे, या अलग अलग टाइप के जो चार्ट पे फॉर्मेशंस होते हैं उनके आधार पे हम एक टारगेट को अराइव करते हैं दोस्तों, और कोशिश करते हैं कि ट्रेंड को राइड करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। तो दोस्तों टारगेट और एंट्री प्राइस से हमें पता लगेगा कि अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो हमें पॉसिबल प्रॉफिट क्या होगा, इससे हम रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंट्री प्राइस में जब हम प्राइस में एंटर करते हैं तो वो प्राइस वो बहुत क्रिटिकल प्राइस है दोस्तों, और यही सारा गेम है दोस्तों। अगर एंट्री प्राइस जो हमने निकाली है और वो एंट्री प्राइस को हमने एग्जीक्यूशन के समय में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए अपना बाय स्टॉप ऑर्डर या सेल स्टॉप ऑर्डर डाला है, और अगर वो एंट्री प्राइस हमें नहीं मिली है तो हम ट्रेड में नहीं है दोस्तों, तो फिर लॉस का ही सवाल नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों अगर एंट्री प्राइस को हम प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं, अगर इस चैनल के ऊपर में सारे वीडियोस देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, ट्रेड आइडिया के तहत, स्टॉक आइडिया के तहत, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तहत, कमोडिटी ट्रेडिंग के प्रति,
करेंसी ट्रेडिंग के प्रति सब में दोस्तों इस बात का जिक्र आया है और बार बार आया है कि एंट्री प्राइस हमें कहां एंट्री करनी चाहिए, और साथ में बोला गया है दोस्तों कि यहां पे हम बाय स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आप लॉन्ग पोजीशन में जा रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशन में जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ है मार्केट में। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर में अभी रिसेंटली 7 नवंबर 2019 को एक ट्रेड आइडिया के तहत एक एनालिसिस की का वीडियो अपलोड किया गया था दोस्तों आईटीसी का, और दोस्तों उस वीडियो को आप इस सेशन के इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर विजिट करें दोस्तों ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। वैसे मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं और वहीं के एनालिसिस से के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दोस्तों अगर हम इसे स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो हम एक बहुत बड़े डिसास्टर को लार्ज एक्सटेंट तक अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों ये एनालिसिस की गई थी 7 नवंबर 2019 को, जब मार्केट 7 नवंबर 2019 को क्लोज हुआ और क्लियर कट चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको इंडिकेट करता हूं कि चार्ट पैटर्न क्लियरली, ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक डिसाइसिव ब्रेकआउट के बाद में यहां पर हमने एनालिसिस की थी और इस बेसिस पे दोस्तों स्टॉप लॉस निकाला गया था, एंट्री प्राइस निकाली गई थी और दोस्तों किस तरह से हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद में ये डिस्कशन किया गया था। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेकआउट कैंडल होती है दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऑलवेज ऊपर में हमें बाय स्टॉप ऑर्डर डालना चाहिए। और दोस्तों उस वीडियो में जाके देखिएगा, बहुत स्पेसिफिक तरीके से बताया गया था कि ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है वो है 266.3 और एंट्री सजेस्टेड था 268 पर। दोस्तों वैसे दोस्तों जब जीरो टू जीरो श्रृंखला में हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक रूल बनाएंगे जिसमें कितना ऊपर में ऑर्डर डालना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा होगी। और आप दोस्तों देखिए कि मैं इसको जो मैंने सर्कल खींचा है इसे मैं रिमूव करता हूं ताकि क्लैरिटी हो सके। और आप देखिए दोस्तों अगर हमने 268 के ऊपर में बाय स्टॉप ऑर्डर डाला होता तो दोस्तों आप ये देखिए ये ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होता और हम ट्रेड में नहीं रहते, क्योंकि नेक्स्ट डे आप देखिए दोस्तों एक वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। और दोस्तों यही कारण है कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर में हमें एंट्री करना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक दोस्तों जो करते हैं अधिकतर लोग, मैं उसको भी शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने देखा कि एनालिसिस के हिसाब से तो ब्रेकआउट हुआ है, अब मार्केट नीचे आ गया है तो हमें और कम दाम पर कम भाव पर ये सौदा मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है, हमें बाय स्टॉप ऑर्डर डाल के छोड़ देना है। वो दिन भर के अंदर में एग्जीक्यूट होगा तो हम ट्रेड में होंगे, और अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम ट्रेड में नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट दोस्तों, जब हम स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से बिना डेविएशन के इंप्लीमेंट करते हैं तो ऐसी सिचुएशन जो आईटीसी में आई है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद में 7 नवंबर 2019 का आईटीसी के ऊपर में एनालिसिस और किस तरह से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की गई है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा वीडियो आपको इस वीडियो के बाद में जो देखना है जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके वो है दोस्तों सन टीवी के ऊपर में एक एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया गया था 11 नवंबर 2019 को। ये दोनों वीडियो रीसेंट बात है दोस्तों, और उसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ था, डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ था जिसकी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की गई थी और डिटेल में चर्चा की गई थी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर
वीडियो में भी जो एनालिसिस की गई थी, इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया गया था उसमें दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल जो है दोस्तों, मैं आपको इंडिकेट करता हूं ताकि क्लैरिटी आ सके। ये है दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल, जो ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं, और इसके हाई के ऊपर में एंट्री दर्शाई गई थी। और दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल का हाई था 531.85 और सजेस्टेड एंट्री बताई गई थी दोस्तों 534, जहां हमें बाय स्टॉप ऑर्डर डालना था। अब आप देखिए दोस्तों, जब मार्केट नेक्स्ट डे खुला तो स्ट्रेट अवे वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ, गैप डाउन मार्केट खुला जो एक इनविजिबल गैप था, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हमने बाय स्टॉप ऑर्डर अगर डाला होता 534 के ऊपर में, तो वो प्राइस ही नहीं आई है, हम ट्रेड में होते ही नहीं। और इस तरह से दोस्तों हम लार्ज एक्सटेंट तक हम फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करने में सफल हो सकते हैं। एक तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के दौरान क्या क्या ख्याल रखना है बातों को, वो तो हम जीरो टू हीरो के अलग अलग एपिसोड में सीख रहे हैं कि हमें डाइवर्जेंस देखना है, हमें ब्रेकआउट डिसाइसिव हुआ है या पार्शियल हुआ है ये देखना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं उसमें कोई स्कोप नहीं है दोस्तों हमें डेविएट करने का, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्रोफेशन है, और इसीलिए दोस्तों एरर का कोई स्कोप नहीं है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि टेक्निकल एनालिसिस तो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एज देती है मार्केटप्लेस में टू रन द सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस, बट एट द सेम टाइम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम फॉर्मुलेट करते हैं एनालिसिस करने के बाद, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमने फॉर्मुलेट की है उसमें कोई डेविएशन अलाउड नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा, ये जीरो टू हीरो का 23A एक स्पेशल श्रृंखला जो है, जो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये श्रृंखला पसंद आई है, ये सेशन पसंद आया है, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके, और वो भी अपने आप को फॉल्स ब्रेकआउट में को अवॉइड करने में एक सफलफुल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सके दोस्तों। एंड दोस्तों अगर चैनल को वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बने दोस्तों, और बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। एंड दोस्तों आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।